करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। बुधवार को कोरोना के 535 नए मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना से 6 मरीजों की जो है मौत भी हुई है। राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,549 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं 11,524 मरीज जो इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं कोरोना से अब तक प्रदेश में 219 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के कुल 4,749 एक्टिव केस हैं। तो वहीं रिकवरी रेट 69.64% पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना अपना पैर जो है उत्तराखंड में पसार रहा है। इसी के साथ लगातार जो रिकवरी रेट है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वक्त अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो प्रदेश में 69.64% रिकवरी रेट है। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना से 6 मरीजों की जो है वो मौत हुई है। वहीं राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,000 को पार कर चुकी है। 11,524 मरीज जो है इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 219 मरीजों की जो है मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में इस वक्त सामने आ रही है कि लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना जो है अपने पैर पसारता चले जा रहा है और लगातार जो सरकार की बैठकें हैं वो भी फेल होती जा रही हैं। तो ये हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और वहीं रोजाना बैठकें भी हो रही हैं कोरोना को लेकर, आखिर कैसे इसकी रोकथाम की जाए? लेकिन जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं रोकथाम को लेकर वो सीधे तौर पर विफल नजर आ रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो वो 16,500 को क्रॉस कर चुकी है। 16,500 से ज्यादा का आंकड़ा देर शाम को हेल्थ बुलेटिन में जारी किया गया है। और कल की ही अगर आंकड़ों पर नजर डालें जो एक दिन में सबसे ज्यादा है वो 530 कोरोना संक्रमित मरीज हैं जो बीते रोज निकलकर सामने आए हैं। तो साफ है कि सरकार की जो बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही हैं। सरकार के जो तमाम दावे हैं, जो स्थितियों पर नजर रखने की बात है, वो कहीं ना कहीं उनमें चूक जैसी बातें कही जा सकती है कि लगातार जो संक्रमण की संख्या है वो बढ़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इसमें दावा ये किया जा रहा है कि टेस्टिंग को बढ़ाया गया है जिसके चलते ही जो कोरोना संक्रमण के नए मरीज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर टेस्टिंग कम रखी जाएगी तो संक्रमण के मरीज भी कम निकलेंगे, लेकिन सरकार की कोशिश है पर डे 10,000 के करीब टेस्टिंग यहाँ पर की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा जो बैकलॉग है उसको खत्म किया जा सके और जो इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार है उस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लगातार सरकार जो है जद्दोजहद कर रही है कोरोना की रोकथाम के लिए, आपसे जानना चाहेंगे आखिर वो कौन सी कड़ी है जहां पर वो कड़ी जो है सरकार से छूट रही है, प्रशासन से छूट रही है, जो कड़ी सरकार पकड़ नहीं पा रही है जिसके चलते कोरोना के मामले लगातार प्रदेश में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर सरकार की बात की जाए तो चाहे तौर पर की बात हो या फिर डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने की बात हो, लेकिन ये मामले भी निकल रहे हैं चाहे मास्क ना पहनने, पुलिस ने रिकॉर्ड तो यहाँ पर मुआवजा लगाया है, जुर्माना लगाया है और इसके साथ ही कई लोगों को इसमें मुकदमे भी दर्ज किए हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब जनता जागरूकता नहीं दिखा रही है अच्छे से कि कैसे जागरूक होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सरकार अपनी तरफ से कड़े निर्देश यहाँ पर जारी जरूर कर रही है, इसकी सख्ताई भी नजर आ रही है, लेकिन लोगों को खुद से जागरूक होना होगा तभी वो कोरोना को पार पा सकते हैं, कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, 16,500 को ये पार कर चुके हैं और अभी भी बैकलॉग यहाँ पर बचा हुआ है, ऐसे में सरकार की कोशिशें भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा बैकलॉग खत्म किया जा सके और कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार सरकार की जो जद्दोजहद है वो जारी है, लेकिन इसी के साथ जो प्रदेश की जनता है उसके अंदर भी जागरूकता की काफी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।